पवन पुत्र हनुमान जी, उनका एक भजन। जब बात उस वक्त की है, भैया ध्यान से सुनिएगा, बात उस वक्त की है जब हनुमान जी महाराज लंका पार करके सीता मैया के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप, छोटा रूप बना लिया ताकि कोई देख नहीं सके, और छोटा रूप बना के और मां सीता के पास पहुंचे और बोले, मैया मैं राम का सेवक हनुमान। तो सीता मैया ने देखा, वो पहचान ही नहीं, तो उन्होंने लेके राम जी की दी हुई अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद उन्हें पता लगा कि हनुमान है, लेकिन वो बोली, हे हनुमान तुम तो इतने छोटे हो, इतने छोटे हो, तुम्हारी सेना भी ऐसी होगी, ये तो बहुत बड़े बड़े दानव हैं, इन लोगों से कैसे तुम मुझे छुड़ा पाओगे, कैसे राम जी आएंगे मुझे ले जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, मां मैं श्री राम का सेवक हूं, उनकी बताई हुई उतनी ही बात करता हूं जितना वो कहते हैं, मैं उनका सेवक हूं, जो कहते हैं उससे आगे नहीं करता हूं, लेकिन मेरे में इतनी है शक्ति। उन्होंने अपना रूप, सूक्ष्म रूप त्यागा और अति विशाल काय रूप धारण कर लिया और कहने लगे, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना भुजाए तोड़ दूं, वरना भुजाए तोड़ दूं सौगंध राम की, वरना भुजाए तोड़ दूं सौगंध राम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं सौगंध राम की, वरना बुझाए तोड़ दूं सौगंध राम की। हनुमान जी मां कहते हैं, लंका पाताल ठोक दूं रावण के शान की, लंका पाताल ठोक दूं रावण के शान की, चाहूं तो भीख मांगे ये दानव विप्राण की, तो भीख मांगे ये दानव विप्राण की, मैं जिंदा गाड़ दूं, धरती में जिंदा गाड़ दूं सौगंध राम की, धरती में जिंदा गाड़ दूं सौगंध राम की। हनुमान जी कहते हैं, न झूठी शान करूं न अभिमान करूं, प्रभु का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, न झूठी शान करूं न अभिमान करूं, प्रभु का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, सच्ची दया के धाम है रघुकुल की शान है, सच्ची दया के धाम है रघुकुल की शान है, बल हूं बल हूँ मैं, बल हूँ मैं बल के दाम हूँ,
बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम के, बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम की। इधर तो हनुमान जी महाराज सीता मैया से वार्तालाप कर रहे हैं, उधर सारी वानर सेना लंका की चढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है, और कैसे राम नाम पत्थर पे लिखे और उसे पानी में छोड़ दो। जैसे ही वो पानी में छोड़े, पानी पत्थर पानी में तैरने लग जाता था। राम जी ने सोचा कि सब सारे सैनिक मिलकर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनकी मदद करूं। उन्होंने भी पत्थर उठाया और उसे पानी में छोड़ा। जैसे ही वो पत्थर पानी में छोड़ा, पत्थर पानी में डूब गया। जैसे ही वो डूबा, भगवान को श्री राम को एकदम टेंशन हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई। उन्होंने अपने आराध्य शंकर भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैं आज नरक रूप में हूं तो मेरी नारायण की शक्ति खत्म हो गई क्या। तो शंकर भगवान ने श्री राम से कहा कि प्रभु, पत्थर का पानी में डूब जाना यह आपका बनाया हुआ नियम है। पत्थर का पानी में डूब जाना यह आपका बनाया हुआ नियम है। कोई आपका नाम इसे लेकर तोड़ सकता है, आप खुद नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात ये कि जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन तार सकता। उधर रावण की सेना जाकर बताने लगी रावण को कि वहां पर उस वनवासी के नाम से पत्थर पानी में तैर रहे हैं। तो रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तैरा सकता हूं। सबको आश्चर्य हुआ। रावण ने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और उसको पानी में फेंकी और चट्टान पानी में तैर गई। जैसे ही तैरी, सब आश्चर्यचकित कि इसके हाथ से चट्टान कैसे पानी में तैर गई। बोले, होता कुछ ऐसे कर्म किए हो इसने, सारी सेना तो मान गई लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं। वो जानती अपने पति की औकात। उसने लेके कहा मंदोदरी ने कि मैं नहीं मान सकती कि तुम्हारे से पत्थर पानी में तैर जाए। बताओ सही बात क्या है कि मंदोदरी, मैं जानता था पत्थर पानी में नहीं तैरने वाला। मैंने पत्थर उठाया और उसको कहा, हे पत्थर, तुझे राम जी की दुहाई जो न तैरे, और पत्थर पानी में तैर गया। बोल श्री राम भगवान की। ना झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, ना झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, प्रभु का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं। सच्ची दया के धाम है रघुकुल की शान है। बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम की, बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम की। और ऐसा विश्वास दिलाकर हनुमान जी महाराज सीता मैया से बोले, विश्वास कर लो माँ मेरा, आएंगे राम जी। विश्वास कर लो माँ मेला, आएंगे राम जी। रावण को दंड दे के ले जाएंगे राम जी। तब तक न खो न धैर्य माँ, तब तक
कबतक ना खोना धैर्य मा तुम्हें सौगंध राम की, कबतक ना खोना धैर्य मा। और अंत में अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई। राम जी ने रावण का वध किया और लंका पर विजय हासिल करी। दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, बोली ये सीता मात वो अंजनी के लाल पर, मेरे साथ मिलकर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया।